हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। आज मैं आपको आलू की रेसिपी बता रहा हूँ कि जो फास्ट रखते हैं उसमें आलू को फ्राई करके हम खा सकते हैं। तो आलू को फ्राई कैसे किया जाता है, तो ये फार्मूला जो मैं आपको बताऊंगा। हम आलू का छिलका ऐसे हल्के हाथों से आराम से इसको निकाल ले। छिलका निकालने से पहले आप एक बार इसको, मिट्टी लगी होती है तो उसको वॉश कर ले। फिर छिलका निकालने के बाद फिर वॉश कर ले। तो मेरे पूरे जितने भी आलू हुए तो मैंने पहले से इनके छिलके निकाल लिए थे। तो ये हमारे आलू तैयार हो चुके हैं। छिलका निकाल के अब इनको हम पानी में वॉश करेंगे, हल्का हल्का वॉश करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको काटेंगे। और मैंने गैस पे कढ़ाई रख ली, इसमें तेल गर्म होने के लिए रख लिया। उतने को मैं आलू को काटूंगा उतने को मेरा तेल गर्म हो जाएगा। देखो हल्के हल्के हाथों से काटना है हमने इसको। वो तो जैसे भी आपको पसंद है उस तरह आप इसको काट लो, ऐसे आराम से काट लो। साइज एक ही होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा साइज हो गया तो कोई कच्चा रह जाएगा, कोई जल्दी पक जाएगा, कोई जल जाएगा। छोटा साइज रहा तो गाइस, मैंने आलू को पीसों में पीस कर लिया आलू के। अब इसको डालूंगा मैं, ये थोड़े से मैंने वॉश कर लिए, और इसको डालूंगा मैं कढ़ाई में। कढ़ाई में ध्यान रख के डालती है, बार कहीं हाथ वगैरह ना जले, आराम से डालो। हल्के हाथों से डाले बिल्कुल इसको, और धीमी आंच में रखना। मेरी गैस बिल्कुल धीमी आंच में चली है तो मैंने इसको धीमी आंच में रखा है। अब मैं वेट करूंगा इसका 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा हिलगाऊंगा। साथ ही साथ आप गाइस जब आलू डाल दोगे तो चम्मच की मदद से या तो चाकू की मदद से इसको हल्का सा हिला दे कि आलू पीस अलग अलग हो जाए, एक के ऊपर एक पीस ना रह जाए। अगर कढ़ाई में आपकी जगह बची है तो एक दो आलू को छोटे पीस और डाल दो आप। और ठीक है, जब आलू का कलर ब्राउन हो जाएगा तो हमारे आलू पक जाएंगे, तो हम इसको उठाएंगे। फिर अब तो कम से कम 5 या 6 मिनट लग जाएंगे हमारे। आप इसको ना गाइस बीच बीच में से हिलाते रहे हल्का हल्का। जितने भी आप आलू डालोगे तेल में तो पूरे तेल के अंदर ही डूबे रहने चाहिए, ऊपर नहीं आने चाहिए। बस हल्के हल्के हाथों से इसको हिला दो बस। अब तो मेरे आलू बहुत कच्चे हैं, धीमी आंच में इसको मैं पकने दूंगा। अगर मैंने गैस का फ्लेम ज़्यादा कर दिया तो बाहर से तो कलर ब्राउन आ जाएगा पर अंदर बिल्कुल कच्चे रहेंगे, तब इसलिए मैंने इसको हल्के धीमी आंच में पका रहा हूँ। तब तो जाके इसका टेस्ट बढ़िया आएगा और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी हो गए। और साथ में आप इसके दही ले सकते हो, दूध ले, तो दोनों के साथ ले सकते हो। ये हर व्रत में काम आता है। 19 तारीख को जन्माष्टमी है, जो जन्माष्टमी के व्रत में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आलू को आप उबॉइल करके खा सकते हो, फ्राई करके खा सकते हो, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा खा सकते हैं। फ्राइड करके बहुत अच्छा लगता है। फ्राई करते बार इसके में अंदर नमक ना डाले, अगर नमक डाल दिया आपने तो पानी छोड़ देता है। फिर जब कढ़ाई में डालोगे आप तो तेल बहुत ही उबलता है, तो डालने में दिक्कत हो जाती है, हाथ वगैरह जल जाता है। गाइस देखो, मेरे आलू ने कलर छोड़ दिया हल्का हल्का, तो इनको 5 से 10 मिनट लग गए पकने में, तो अभी भी हल्के हल्के कच्चे रह गए, हल्के कच्चे रह गए। तो मैं 2 या 3 मिनट का और वेट करूँगा, कम से कम 3 मिनट का वेट और करूँगा। फिर इनको हिला के देखूँगा कि इसमें कितना कच्चापन रह गया। आलू का कलर मेरा बहुत अच्छा आ गया, ब्राउन हो गए पूरे, तो इसका मतलब पूरे पक चुके हैं। तो वीडियो को मैं रोक रोक के बना रहा हूँ, अगर कंटिन्यू बनाता तो बहुत लंबी हो जाती, फिर बहुत लंबा प्रोसेस चल जाता। तो इसलिए मैं वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, पूरी भी दिखता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। तो देखो आलू का कलर मेरा बिल्कुल ब्राउन हो गया है, और थोड़ी देर में इनको मैं उठा दूंगा।
कलर बहुत अच्छा आ गया इसका, तो मैं इसको अब उठा देता हूँ। पूरा तेल निचोड़ के हम इसको थाली में निकाल देंगे। देखो कलर, देखो गाइस आप, कलर बहुत अच्छा है इसका। आप ये सब घर में अपने बना सकते हैं। तो मेरे पास थोड़े से आलू बच गए, तो मैं इसको दूसरी बार फिर डालूंगा। आप वॉश करके इसको पानी को अच्छी तरह निकाल ले, इसके अंदर थोड़ा सा पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी थोड़ा सा रह गया तो आपके हाथों में छींटे पड़ सकते हैं। तेल की डालती बार आराम से डालना इसको, बिल्कुल सावधानी से। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।